जनता जनार्दन को चाहिए ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति दिल्ली में ज्यादा और बिहार में कम रहता है, जो बिहार को बहुत कम समझता है, वह बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। जैसा कि आपने अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुने, जिसमें वह साफ साफ कह रहे हैं कि अपना फायदा देखने वाले इस भ्रष्ट नेता को, भ्रष्ट जंगल राज के युवराज को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या वह अपने पिता और माता के जितना अपने बिहार को जानता है कि वह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इस बिहार की पावन धरती पर पत्रकार मनीष कश्यप से मिलने के लिए एक से बढ़कर एक लोगों का आना हो रहा है। इसी बीच हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा भी बिहार की इस पावन धरती पर पहुंचकर उनको बधाई देने के लिए और बिहारी भाइयों को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनको उत्साहित करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि क्या आपको वही सरकार फिर से चाहिए जो कि एक सच्चे पत्रकार को जेल में बंद रखकर इतने दिनों तक उन पर यातनाएं देती है, जो गरीबों की आवाज उठाते हैं उनको आवाज बंद करने का वो लोग प्रयास करते हैं, कि आपको फिर से वही सरकार चाहिए या बीजेपी पार्टी की सरकार चाहिए जो हर एक गरीबों की मदद करने के मकसद से ही पार्टी को बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ के इतना कहने पर वहां पर लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा था वह शुरू से ही कह रहा था बीजेपी पार्टी इस बार बिहार में आएगी, पत्रकार मनीष कश्यप की सरकार बनेगी। इस बात पर योगी आदित्यनाथ वहां साफ साफ कहते मिले कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो केवल अपना फायदा देखता हो। पत्रकार मनीष कश्यप भले ही उस दिन उनका नाम क्या ले लिए, उनके नाम लेने की वजह से उनको 9 महीने तक जेल में डाल दिया गया, क्या वह ऐसे ही बिहार को संभाल पाएंगे? फैसला अब आप लोगों के हाथों में है। दोस्तों, आप लोग किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।